भाई तो गुड विशेस तो वैसे ही रहेंगे। शुरू करें ये अस्सलाम वालेकुम जी। हम पाकिस्तान हाउस में आप सबको वेलकम कहते हैं। वी आर ऑनर्ड टू हैव पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम हियर। और ये सारी टीम पहला मैच बड़ा अच्छा खेल चुकी है, दे कुडंट विन, लेकिन हमारी अच्छी ख्वाहिशात इनके साथ हैं, नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। अभी ये बता रही थी कि 3 T20 हैं और 3 फिर वन डे इंटरनेशनल हैं। इंशाल्लाह ये यकीनन कामयाब होंगी, हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। वी आर ऑनर्ड टू हैव देम हियर। बताइए जी आप कुछ प्लीज़। थैंक यू एवरीवन, और स्पेशल थैंक्स टू कमिश्नर साहब, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की है, यहाँ पे बुलाया हमें पाकिस्तान हाउस में। डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी मच ऑनर्ड फॉर अस। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के मैच देखने के लिए आए और जैसा सपोर्ट की, डेफिनेटली हमेशा से बूस्ट मिलता है इस तरह की कॉन्फिडेंस देने पर, अप्रिशिएट करने पर। और वेरी हैप्पी कि हम इंग्लैंड आए हैं, इनके साथ सीरीज़ हमारी हुई है। इट्स बीइंग वेरी लॉन्ग कि हमारे उनके साथ सीरीज़ है, लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह हमारे मैचेस बहुत अच्छे होंगे। डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान की टीम है जो आने वाले दिनों में आ रही है, जो अगेंस्ट इनको, ये भी पाकिस्तान की टीम जी, जो इसके साथ जो हमारे नौजवान अभी खेल रहे हैं आलम, उनको भी बुला रहे हैं आप इधर? इंशाल्लाह बुलाएंगे, आप लोगों को इकट्ठा करेंगे जी, ज़रूर। वो ओवल में उनका मैच है 30 को, मेरा ख्याल है 29 या 30 को, तो 30 तारीख को इंशाल्लाह वो उसमें बिल्कुल प्लान करेंगे। उनके साथ भी हमारी बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं, लेकिन ये बच्चियों के लिए ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा कम है, ट्रेनिंग, तो हमें सारी कौम को सपोर्ट करनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे लिए एक प्राइड है। आप ये बताएं कि आपको जो यहाँ खेलने का मौका मिला, तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग स्किल्स हैं जो यहाँ पे हैं, तो जो रिजल्ट्स आए उसकी रोशनी में आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को, इज देयर एनीथिंग मोर दैट पाकिस्तान टीम कैन डू? देखिए, पाकिस्तान अभी टीम जो है डेवलपिंग स्टेज पे है, और वी एक्सेप्टेड कि अभी हम डेवलपिंग स्टेज पे, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गर्ल्स, और जो कि हम और बोर्ड भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। डेफिनेटली हर इस एक्सपेक्ट से हम देख रहे हैं, और जो जो हमारे जिस जगह में हमारी कमी है उसको जरूर पूरा कर रहे हैं, और गर्ल्स आर डूइंग रेडी वेल। उन्होंने जो फाइट शो की अगेंस्ट इंग्लैंड, वो डेफिनेटली नज़र आता है कि वी हैव दैट पोटेंशियल, और इंशाल्लाह ताला हम इसको ओवरकम करेंगे और अच्छे मैचेस खेलेंगे। अच्छा, ये बता दीजिए कि बर्मिंघम में इस तरफ अच्छा क्राउड था, बड़े स्पोर्टिंग वहाँ पर एनवायरनमेंट था, हाई कमिश्नर साहब वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या समझती हैं कि ऐसा क्राउड के आने से कितनी आपको मोटिवेशन मिलती है, कितनी सपोर्ट मिलती है? देखिए जी, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, और हम हमेशा से इंजॉय करते हैं जितने भी हमें क्राउड में, जब भी हम खेलते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं। डेफिनेटली हम यही हमारी ख्वाहिश है कि अगले भी मैचेस में ऐसा क्राउड आएगा और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। आई नो कि बर्मिंघम में एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिली, और इंशाल्लाह ताला हमारी यही कोशिश है कि हम क्राउड को जितना एंटरटेन कर सकें। इस टूर्नामेंट से अभी तक के जो मैचेस हैं उसमें आपके लिए टेक अवेज क्या है? देखिए, अभी तो पहला मैच हुआ, और आई थिंक जो हमने फाइट हमने जो उनके साथ की है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है उससे, और नज़र आता है कि लड़कियों में पोटेंशियल है। और आई गेस इस तरह के मैचेस अगर हम फाइट करें तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं, तो हमारे लिए पॉजिटिव ये है कि हम अच्छा फाइट करें, रिजल्ट अल्लाह के हाथ। पाकिस्तान में मौसम गर्म था, यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा है, तो मौसम के साथ एक्लेमेटाइज हो गई ये टीम जी? बिल्कुल, हमारे लेस्टर में हमारे प्रैक्टिस मैच भी थे और वहाँ पर प्रैक्टिस भी थी, मौसम बहुत अच्छा है, क्रिकेटिंग वेदर है यहाँ पर, और हम बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं इस वेदर को, और हमारी हमें बल्कि बड़ा सपोर्ट भी मिल रहा है, एज अ फास्ट बॉलिंग यूनिट भी हमें बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, और बैटर्स को बड़ा अच्छा सपोर्ट। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भी आए डब्लिन, उन्होंने मेंस टीम के साथ तो बातचीत की है, क्या आपको टेलीफोनिक रब्ता हुआ आपसे, कुछ आपसे भी मिल रहे हैं या? देखिए जी, हमें बिल्कुल उनकी सपोर्ट है, और हमेशा से वो हमारे सपोर्टिव रहे हैं, और हमारे भी मैचेस इंशाल्लाह उनकी जब भी मसरूफियत हुई वो हमारे यहाँ पे ख़त्म हुई, उनकी मसरूफियत ज़रूर आएंगे हमारे मैचेस देखने, और हमारी उनसे बातचीत रहती है, वो हमेशा से हमें सपोर्ट करते रहते हैं, और हमेशा हमें यही एक ही पैगाम देते हैं कि फाइट फॉर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आइए।